नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कलाकारों से आपकी मुलाकात का सिलसिला इस प्लेटफॉर्म पर जारी है। हम आपको बड़े शास्त्रीय संगीत के कलाकारों से मिलाते हैं, उभरते हुए कलाकारों से मिलाते हैं और हर उस कलाकार से मिलाते हैं जिसको आप और हम करते हैं बहुत सारा प्यार। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं दो बहुत खास मेहमान, अंतरा नंदी और अंकिता नंदी। और इन लोगों ने जो धूम मचा रखी है उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं जाकर YouTube पे। इनके एक एक वीडियोस हजारों लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं। दोनों बहुत प्यारी बच्चियां हैं। इन दोनों का मैं रागगिरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। स्वागत है अंतरा, स्वागत है अंकिता। नमस्ते, थैंक यू सो मच हमें आज रागगिरी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा अंतरा, आपसे शुरू करते हैं। ये जो लाखों लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं YouTube पे, अभी बाकी सारी बातचीत तो बाद में करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था या ये बिल्कुल आप लोग के लिए एक तरीके से चौंकाने वाला है जो आपको रिस्पांस मिला है? और ये जवाब आप दोनों लोग दीजिए। अंकिता, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? जी नहीं, ये ओवरवेलमिंग रिस्पांस तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे हम बचपन से साथ में गाते आए हैं और ये साथ में हम बड़े ही हुए हैं एक दूसरे के साथ गाते गाते। पर ये वीडियो डालना सोशल मीडिया पे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है हमारे लिए। ये बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है और जो हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतने लोग हमें सराह रहे हैं, ये देखते हुए बहुत खुशी होती है, एनकरेजमेंट मिलता है हमें। इसलिए हमने ये बैल्कनी कॉन्सर्ट वाला ये सीरीज शुरू तो किया इस लॉकडाउन में, पर अभी हम इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जाएंगे, जस्ट बिकॉज हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आइडिया है, मैंने जो पढ़ा आप लोग के बारे में, पापा भी काफी कुछ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मदर का बहुत सारा क्रिएटिव इनपुट रहता है, लेकिन ये आइडिया किसका था कि दोनों बहनें एक साथ एक जैसी ड्रेस, एक जैसा हाव भाव और एक जैसी प्रस्तुति, ये कैसे, किसने ये आइडिएशन किसका था ये? जी हम एक्चुअली बहनें हैं ना और साथ में बड़े हुए हैं, तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा हाव भाव, हमारा सब कुछ, मतलब टेम्परमेंट बहुत सिमिलर है, तो काफी चीजें ना चाहते हुए भी बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जहां तक बात रही एक साथ कोऑर्डिनेटेडली गाने की, तो उसमें हमें ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली थैंकफुली आ जाता है। और जब, जैसे कि आपने कहा, हमारे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हमारे म्यूजिक करियर में एज अ होल बहुत ज्यादा रहा है। मम्मी पापा के बिना हम सोच भी नहीं सकते हम क्या करते अभी भी। जैसे सिर्फ अगर बैल्कनी कॉन्सर्ट की भी बात की जाए, हम तो सिर्फ खड़े होकर गाते ही हैं, बस वही हमारा काम है। बाकी जो भी देखते हैं ना, आप देखेंगे हर वीडियो के पीछे हमारा बैकग्राउंड डेकोरेशन अलग लगता है, अलग होता है, वो मम्मी पापा मिलके करते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम्स मम्मी डिसाइड करती हैं, पापा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब पापा देखते हैं। तो हम ना एक नंदीज एज अ फैमिली वी आर लाइक अ वैन जिसके चार पहिए हैं। हम दो पहिए खुल के कहीं गिर जाएंगे तो ये गाड़ी चले कहीं नहीं। तो हम सब, वी आर अ टीम दैट वी वर्क टुगेदर एंड थैंकफुली आर पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव और उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, तभी हमारे जो इतने सारे सपने हैं जो हम देखते आए हैं बचपन से उन्हें हम साकार कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आवर पेरेंट्स आर सो सो सपोर्टिव एंड सो इन्वॉल्वड इन आवर लाइव्स। अच्छा अंतरा, आप थोड़ी सी सीरियस बातचीत करते हैं, ये संगीत का सफर शुरू कैसे हुआ था? और आप तो शुरुआत से ही, मैंने पढ़ा कि आप तो राशिद खान साहब से जुड़ी और उनसे भी आपने तालीम ली, तो किस तरह से ये सफर शुरू हुआ था? वैसे हम दोनों ने अभी शुरुआत ही की है, बहुत कुछ है सीखने को, कुछ भी नहीं सीख पाए हैं अभी तक। तो वैसे देखा जाए तो हम सबसे सीखने की कोशिश करते हैं, सबसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो मैं अपने गुरुजी उस्ताद राशिद खान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ। अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती मैम, भीमसेन जोशी जी, संजीव अभ्यंकर जी, इसके अलावा शोभा गुर्तू जी के मैं ठुमरियाँ सुनना बहुत पसंद करती हूँ और बेगम अख्तर जी की गज़लें बहुत पसंद है और बहुत से, मैं अभी बस टॉप ऑफ द माइंड जो जो नाम आ रहे हैं मैं फट से बोलते जा रही हूँ। इसके अलावा अगर लाइट सिंगिंग की बात की जाए, एवरीवन इज ब्रिलियंट, क्या ही कहा जाए। सबसे पहले लता जी, आशा ताई, दे आर द गॉडेसेस, दे आर माँ सरस्वती इन ह्यूमन फॉर्म, तो उनको तो पूछते हैं हम सब। श्रेया मैम, सुनिधि मैम, शान सर, सोनू सर, अलका मैम, अभिजीत सर, अभी एकदम रिसेंट नए न्यू एज सिंगर्स की बात की जाए तो अरिजीत सर,
उनसे उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। और सबसे सबसे एवरी डे देर इज अ न्यू टैलेंट दैट्स कमिंग अप, और सबसे कितना कुछ है सीखने को, सब में एक नई पॉजिटिविटी है और हम सबसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और अंकिता, आपने कैसे शुरू किया संगीत सीखना? वो कहता है ना, तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना चाहिए। तो मैं जब से पैदा हुई, जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से मेरी बहन को सुबह 5 बजे उठ के सा खरज लगाते हुए सुना है। तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरा तो कान वैसे ही तैयार हो ही रहा था बचपन से। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे, मेरे बहन को जहाँ जहाँ पे दिया गया था ट्रेनिंग के लिए, मुझे भी भेजा गया था। पर क्या है ना, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का वो एक स्ट्रिक्ट माहौल मुझे बड़ा सा अजीब लगता था, मुझसे नहीं हो पाता था। नटखट है ना? हाँ, मैं बहुत नटखट थी। पर चंदन राय चौधरी सर का क्लास जब दीदी ने ज्वाइन किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे भी ज्वाइन करना है, और वहाँ से मेरा एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू हुआ। आई सैंग फॉर अ फ्यू टीवी सीरियल्स बाय चंदन राय चौधरी सर। और क्या है ना, वो वहां पे जो एफर्ट देती थी वो उसको उसका रिजल्ट दिखने लगा था। वो वहां जाके सीखती थी, टीवी सीरियल्स में गाती थी, नेक्स्ट डे आके उसको अपना वॉइस टीवी पे सुनने को मिलता था। आई थिंक इसलिए तो उनको अच्छा लगता था। एनीवे, तो उसके बाद हम गए केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी में फॉर वेस्टर्न म्यूजिक वोकल ट्रेनिंग, एंड या दैट्स इट। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसलिए एक रिक्वेस्ट कि आप लोग कुछ सुनाएं जो हमारे रागगिरी के प्लेटफॉर्म पे लोग आपको देख रहे हैं और जो आपके वीडियोस देख चुके हैं बहुत सारे, उनमें से कोई एक वीडियो जो आपका बहुत हिट हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सुनाइए। हमारे और गाने तो आप सबने सुने ही हैं, और हमारे सारे वीडियोस को जो भी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उन्हें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर आज हम कुछ और गा के सुनाते हैं आपको। ये हम जो गाने वाले हैं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ कंपोज किया हुआ गाना है। इसका नाम है दिल क्या समझा गया। ये शायद आप में से बहुत लोगों ने ना सुना हो, पर अगर आज सुन के अच्छा लगे ये दो लाइनें, यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, जरूर बताइएगा कैसा लगा। मानती है कि जो ये सारे गामा का प्लेटफॉर्म था वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हुआ, क्योंकि वहां से जो कहते हैं ना कि एक इनिशियल ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, वो आपको मिला? हाँ जी, बेशक सारे गामा पा का प्लेटफॉर्म मेरे जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। मैं एक 9 साल की बच्ची थी जब मैंने पार्टिसिपेट किया था सारे गामा पा में, और उससे पहले तक मैं सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल गाती थी। वहां जाके पहली बार मैंने लाइट गाने, बॉलीवुड के गाने गाना स्टार्ट किया, और द फैक्ट कि उसमें कितने और टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं उस आइडिया से मैं वाकिफ हुई सारेगामापा में जाने के बाद ही। और वहां जाके मुझे जो प्राइसलेस गाइडेंस मिला मुकेश परमार सर और संजय विद्यार्थी जी के पास, जो ग्रूमिंग मिली मुझे, तो सब प्राइसलेस थिंग्स दैट आई लर्नड देयर। यू नो, लिटिल थिंग्स लाइक माइक को कैसे हैंडल किया जाता है, ऊपर के नोट्स गाते वक्त अगर बहुत जोर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वॉइस को तो माइक को अपने मुंह से दूर लेना, फिर ऑडियंस को कैसे फेस किया जाता है, स्टेज प्रेजेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पता था उससे पहले। और मुझे कितने लेजेंड्स के सामने गाने का मौका मिला, आशा जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया
ये मैं आज भी नहीं सोच सकती, आज भी इमेजिनेशन से बाहर है अलका जी के सामने गाना। अब अलका जी वॉज लाइक अ स्क्रीन मदर टू मी। अभिजीत दा, शान सर, उदित नारायण जी, सुखविंदर सिंह जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, शान सर, ये सब लेजेंड्स हैं। उनके सामने गाना और उनसे छोटी छोटी चीजें सीख पाना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक पहचान बन जाती है छोटी सी, पता है, मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है बाद में, पर एक लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं बाद में अगर कहीं जाके बोलती हूँ कि हाँ मैं सारेगामा पा में थी, तो लोग को ऐसे लगता है कि ओ अच्छा हाँ वही अंतरा ना जो अभिजीता की फेवरेट थी, अभिजीता उसको गोदी में उठाते थे, वही वाली अंतरा ना। तो एक कोरेलेंस मिलता है लोगों को, तो वो एक छोटी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा अंकिता, आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस आप लोग कैसे करते हो? आप क्या करते हैं वो चीजें जो आज जो छोटे बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं उन्हें वही करना चाहिए जो आप लोग करते हैं? वैसे सच बताऊं तो बैलेंसिंग म्यूजिक एंड स्टडीज इतना तो इजी था नहीं हमारे लिए। हाँ, थोड़ा सा टफ है क्योंकि देखिए पढ़ाई तो नेसेसिटी है और म्यूजिक से हमें प्यार है, और हमारा ये मानना है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो ना, आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, बस टाइम निकल जाता है। और म्यूजिक हमारे लिए एक वो चीज़ है। और एक चीज़ हम देखें तो एक इंसान 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है, 24 घंटा गाना नहीं गा सकता है, तो दोनों चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती हैं अगर एक सही शेड्यूल बनाया जाए तो। एक सही शेड्यूल बनाया जाए तो। अब देखिए हमें स्कूल तो जाना है, तो स्कूल जाने से पहले हमें 5 बजे उठना ही है, वो 5 से 6 बजे तक का टाइम हमें रियाज करना ही पड़ेगा। फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आके ट्यूशन करना ही है, तो बाकी का टाइम जो हमें थोड़ा बहुत मिलता था हम लोग वो बाकी चीज़ों में, मतलब टीवी देख के या फिर बाकी चीज़ों में ऐसे ज़ाया ना करके हम लोग वो म्यूजिक में डालते थे। और हमारे लिए भी, जैसे हमारे एज के और बच्चों के लिए रिलैक्सेशन क्या होता था, नीचे जाके खेलना या मूवीज देखना या ऐसे ही हैंग आउट करना, हमारे लिए खुशियां हम म्यूजिक में ढूंढते थे। हमारे लिए हमारा प्ले टाइम यूज्ड टू बी म्यूजिक। अच्छा आप दोनों से मेरा जो एक पर्सनल फेवरेट, जो मैंने कुछ दिन पहले अपने रागगिरी के ट्विटर से ट्वीट भी किया था और उसको मेरा ख्याल है कई हजार लोगों ने देखा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, क्योंकि ये गाना मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये उन चंद फिल्मों में से है जो मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ दिखाई थी। जी जी बिल्कुल, हमें भी ये गाना गाना बहुत पसंद है। सो हियर्स अ फ्यू लाइंस। अंतरा, आपका एआर रहमान साहब से भी एक आप कह सकते हैं एसोसिएशन रहा है, वो कैसा एसोसिएशन है? क्योंकि वो तो बिल्कुल कमाल के संगीतकार हैं, उनका तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस ही अलग है। क्या कुछ सीख पाई, क्या कुछ खास सीख पाई आप उनसे, ये बताइए। अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, मुझे जब भी कोई भी रहमान सर के बारे में पूछता है मैं बिल्कुल स्पेलबाउंड हो जाती हूँ। क्या है ना, बिल्कुल बच्ची थी मैं, तब से कुछ ऐसे गाने थे जो मैं हम करते आई हूँ, सुनते आई हूँ, मुझे जो गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये मैं उस उम्र की बात कर रही हूँ जब इस बात की समझ नहीं थी मुझे कि गाना बनाता कोई और है, गाता कोई और है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर वॉज नॉट नोन टू मी। पर जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होते रही, मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो इतने सारे गाने जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, ये सारे एक ही इंसान ने बनाए हैं, सारे के सारे गाने रहमान साहब ने। तो बचपन में जो एडमिरेशन था
वो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती रही ना, वो धीरे धीरे इट टर्न इन टू वर्शिप. आई स्टार्टेड वर्शिपिंग रहमान सर और आई हैव बीन फॉलोइंग हिज वर्क फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज. देखिए मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, बहुत बड़ों का आशीर्वाद है मुझ पे कि मेरा जो इतने सालों का सपना था कि मैं एक बार रहमान सर से मिल पाऊँ, वो पहली बार साकार हुआ जब हम दोनों KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में गए और सर ने मुझे वहाँ पहली बार सुना और बहुत सराहा उन्होंने. आई एम वेरी थैंकफुल. पर उसके बाद आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो रिसेंटली जहाँ रहमान सर ने मुझे वापस से देखा एंड शायद मैं उन्हें फिर से याद आ गई कि उसी शो के बिल्कुल खत्म होने से पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सर के लिए गाना गाने का. ये एक सपने से ज्यादा सपने से कम कुछ नहीं है. ये मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ड्रीम करती थी कि कैसा होगा सर के स्टूडियो में, सर गाना कैसे बनाते होंगे, प्रोसीजर क्या होगा. और सर को मैं अपना भगवान मानती हूँ तो उनका स्टूडियो मेरे लिए टेम्पल हुआ. तो जिस दिन मुझे सुबह कॉल आया कि मुझे उनके स्टूडियो जाना है और वो मुझे रिकॉर्ड करने वाले, मैं बौखला गई थी. मैं उनके स्टूडियो पे उनके सामने बैठ के मैंने वो गाना बनते देखा. निस दिन जो गाना गाया है मैंने, वो गाना मैंने स्क्रैच से बनते देखा है और अपने सामने अपने भगवान को काम करते देखा है. ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, ये एक अनइमेजिनेबल वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. उसके बाद मैं लोग सबके आशीर्वाद से मैं उनके साथ आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क. मैं उनके लिए कुछ स्क्रैचेस गा रही हूँ बस, क्या पता यही आशा करते हुए कि सर आई एम एबल टू डिलीवर वन ऑफ दी स्क्रैचेस इन अ वे दैट सर लव्स देम एंड इट गेट्स फाइनलाइज. बस आशीर्वाद करिए. और अंकिता, ये जो वेस्टर्न क्लासिकल आप लोग सीखते हैं, ये कितनी वैरायटी आपके अंदर लेकर आता है, क्या कुछ नए पैरामीटर्स आपके लिए खोल देता है म्यूजिक के? जी वेस्टर्न म्यूजिक हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा बिकॉज वेस्टर्न म्यूजिक के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सिखाया गया है कि देर आर थ्री डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ वॉइस. इंडियन क्लासिकल में जैसे कि लोग ना जानते हुए लोग यूज कर लेते हैं, बट वेस्टर्न म्यूजिक में क्या है कि हमें वो टेक्निकलिटी समझाया जाता है कि और आपको रीजंस दिए जाते हैं कि इसको ऐसे क्यों करना है और वैसे क्यों नहीं. वी आर टॉट हाउ टू एक्सेस दोज रजिस्टर्स ऑफ वॉइसेस एंड उन टेक्निक्स को अगर हम इंडियन क्लासिकल में यूज कर ले तो इट कैन बी मार्वलस. तो दिस इज वन ऑफ द लिटिल थिंग्स जो हमें वेस्टर्न क्लासिकल से सीखने को मिला अमंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. प्रोजेक्शन, यू नो, बॉडी पॉस्चर, ये भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं. और वेस्टर्न क्लासिकल में एक और चीज हमें बताया गया था कि योर बॉडी फॉर अ सिंगर, योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट. तो इसे यू हैव टू कीप इट, पॉस्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इंश्योर्स कि आपके अंदर जो एयर फ्लो है, आपका आवाज कहाँ से निकलता है, एयर फ्लो के वजह से. तो द बॉडी पॉस्चर आप अगर सही मेंटेन करेंगे तो आपका वॉइस प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली बेटर होगा. जस्ट सम फ्यू थिंग्स है ना जो बहुत हेल्पफुल रहा. Yes, definitely. अच्छा, फिर मैं आप लोगों के ऊपर मंच छोड़ रहा हूँ और इस गुजारिश के साथ छोड़ रहा हूँ कि अब एक गाने से काम नहीं चलेगा. आप दोनों लोग अब मिलकर हमें कुछ तीन चार गानों का मेडले सुनाए जिसको सुन के हम लोग को मजा आ जाए और जो आप लोग की YouTube पे जो पॉपुलैरिटी है, जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, वो प्यार हमारे मंच से भी थोड़ा आप तक पहुंचे. जी बिल्कुल. अभी हम जो गाना कोशिश करने वाले हैं ये दीपक पंडित जी का कंपोजिशन है, सोनू निगम जी का गाया हुआ. ये ब्रिलियंट कंपोजिशन है, हम सब कोशिश ही कर सकते हैं. आशा करते हैं आप सबको पसंद आए.
आगे क्या प्लान्स है? क्या आप लोगों ने सोच लिया है दोनों ने कि अब म्यूजिक ही एज अ करियर भी चुनना है, या अभी ये फैसला नहीं हुआ है और साथ के साथ जो पढ़ाई है उस पर भी उतनी ही गंभीरता से फोकस दिया जा रहा है कि अगर प्रोफेशन और कोई चुनना पड़े तो वो चुनेंगे? जी देखिए, अब म्यूजिक हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है, पर अकेडमिक्स को, जैसे कि आपने पहले भी कहा है, इस बात को एड्रेस किया है, अकेडमिक्स को हमने हमेशा साथ में मेंटेन किया है आज तक। मेरा अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है और आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम सिम्बायसिस सेंटर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, और आगे अभी मैं मास्टर्स करने का सोच रही हूँ, पर मास्टर्स मैं म्यूजिक में करने का प्लान कर रही हूँ। इससे आगे ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर एज अ म्यूजिशियन इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन, और उससे आगे का प्लान वेल उतने दूर का तो नहीं सोचा है। वी आर पीपल हु लाइक फ्लोइंग विद द टाइड, तो जैसे जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसे उसे उसी तरह से देखते हुए हार्नेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अंकिता, म्यूजिक डेफिनेटली एज माई सिस्टर सेड, इट हैज ऑलवेज बीन माई प्रायोरिटी, बट फिलहाल आई एम अपियरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग, तो अभी इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करें। अंकिता हैज ऑलवेज बीन वेरी इंक्लाइंड टू टेक्नोलॉजी, ये घर की टेक किड है, तो ये इंजीनियरिंग कर रही है, ये अच्छा लग रहा है हमें सबको। तो एक गायिका, एक इंजीनियर, एंड मीनवाइल शी इज ऑल्सो डूइंग हर म्यूजिक, सो यस डेफिनेटली, लाइक आई सेड, वी हैवंट प्लान्ड बहुत आगे क्या करेंगे, लेट्स सी। ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था अंतरा, लेकिन अब पूछ लेता हूँ। थोड़ा सा अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बताइए कि आपके पिता, आपकी माता कैसे, इन लोगों में क्या कोई संगीत के पहले से संस्कार थे, कैसे संगीत कैसे आया परिवार में? वैसे देखा जाए तो हमारे घर में संगीत का माहौल हमेशा से ही रहा है, पर किसी ने उसे प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया, वो और बात है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, मेरे पापा, उनके हाथ पे आप कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट थमा देंगे ना, वो बजा देंगे, एंड ही हैज हैड नो फॉर्मल गाइडेंस। मेरी मम्मी एक ट्रेन्ड कथक डांसर हैं, मेरी बड़ी मासी शी यूज्ड टू बी अ सिंगर, या तो वही मतलब माहौल हमेशा से रहा है, किसी ने उसे आगे बढ़ाया नहीं, वो बस हॉबी बन के रह गया सबके लिए। बट आई थिंक क्योंकि घर में एवरीवन अप्रिशिएटेड म्यूजिक, इसीलिए जब बचपन में मैं गुनगुनाने लगी गाने, लोगों ने मेरे घर पे, मेरे मम्मी पापा ने बहुत जल्दी उसे रिकग्नाइज किया, मेरे मासी ने, मेरे मम्मी पापा ने बहुत जल्दी उसे रिकग्नाइज किया कि मे बी इफ दे ट्रेन मी वेल आई कुड गो ऑन एंड बिकम अ सिंगर। और इसीलिए ऑल दो मेरे मम्मी पापा दे आर बोथ इंजीनियर्स, येट उन्होंने हम दोनों को जितना हो सका आज तक फुल फ्लेजेडली सपोर्ट करते आए हैं मम्मी पापा हमें। दे मूव्ड फ्रॉम असम टू कोलकाता, इतना बड़ा एक डिसीशन लिया उन्होंने जस्ट ताकि वो मुझे प्रॉपर म्यूजिकल गाइडेंस दिला सके। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मेरे मम्मी ने अपना करियर त्याग दिया ताकि वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम बिता सके। पापा वर्क्स डे एंड नाइट जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो वी हैव ऑल एवरीथिंग, हमारे घर पे एक स्टूडियो सेटअप हो जाए, जो भी हमें चीज़ें लगती रहती हैं, just to make sure that we are musically sound and we are musically equipped. Our parents have made sure that we have, we have everything, be it proper guidance, be it access to the things that we need to make proper music. तो हमारे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट, बहुत गाइडेंस, बहुत सारे sacrifices रही हैं आज तक, तभी हम अभी तक कुछ कर पाए हैं, और आगे भी अगर कुछ कर पाएंगे that will only be because of our parents. अच्छा, जो ये आपने, चूंकि शास्त्रीय संगीत से आपने सीखना शुरू किया अंतरा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किन बड़े गायकों को, किन बड़े कलाकारों को आप अभी भी सुनती हैं शास्त्रीय संगीत में? और उसके अलावा अगर उससे इतर हम आ जाए, फिल्मी संगीत में अगर हम आ जाए, तो कौन से कलाकारों को आप, दोनों बहने अंकिता आप भी इसका जवाब दीजिए कि आप लोग के पर्सनल फेवरेट्स कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कलाकार हैं? हाँ जी, मेरी राशिद खान साहब के पास तालीम शुरू हुई जब मैं 4.5 साल की थी। हम लोग असम से कोलकाता मूव हो गए ताकि, मेरे पेरेंट्स का ये डिसीजन था, ताकि वो मुझे एक अच्छी जगह म्यूजिक की गाइडेंस दिला सके। 4.5 साल की उम्र में, जैसे कि मैंने कहा, मेरी तालीम शुरू हो गई, बहुत ही सीरियस, बहुत ही डिसिप्लिन्ड जगह थी राशिद खान जी की अकेडमी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी तालीम एक बहुत अच्छे जगह से शुरू हुई। कहते हैं ना, अगर पहला सा सही जगह पे लगे, सही जगह से सीखने को मिले, तो बाकी की जर्नी
यू नो दैट यू हैव स्टार्टेड इट द राइट वे. आगे की जर्नी जब बेस स्ट्रांग हो जाती है ना तो बिल्डिंग सही बनती है. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. उसके बाद मैं ITC संगीत रिसर्च अकेडमी की स्कॉलर रही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ही. और उसके बाद अंकिता और मैं हम दोनों वेस्टर्न क्लासिकल की तालीम हमने ली KM म्यूजिक कंजर्वेटरी से, जो कि रहमान सर का इंस्टीट्यूट है. हम दोनों हम हमेशा बहुत नए चीज़ें सीखने को बहुत उत्साहित रहते हैं. तो हमें बहुत वी वर वेरी इंट्रीग्ड टू नो कि वेस्टर्न क्लासिकल कैसा होता है. तो वो नॉलेज हमें KM में मिला. अंतरा आपने, अंकिता आपने हमारे लिए समय निकाला, आप रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये जो लॉकडाउन में जो आप लोगों ने एक क्रिएटिव उसके साथ जो आपका अप्रोच रहा है और जिस तरह से आप लोगों को प्यार मिला है, हमारी ये दुआ है कि आपको और प्यार मिले, बहुत सारी शोहरत मिले, बहुत सारी कामयाबी मिले. और आपके साथ साथ हमारी रागगिरी की तरफ से प्रणाम आपके माता पिताजी को भी, जो इस तरह के क्रिएटिव थॉट्स के साथ आप लोग को तैयार करते हैं, आपके म्यूजिक के संस्कार आप में उन लोगों ने डाले. तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू रागगिरी. थैंक यू सो मच. इसी तरह आशीर्वाद करते रहिए, प्यार देते रहिएगा.